देते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। तो फाइनली इंडिया जीत गया यार। यहाँ पे भाई जो मैच था ना भाई, कल का जिसने मैच नहीं देखा भाई, तुमने क्या ही देखा है भाई। आप सबसे बात करने से पहले मेरा नाम है नमन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। इंडिया में तो कल दिवाली बनी है, सच में दिवाली बनी इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में कल क्या हुआ है भाई, वो सब जानने से पहले मेरा नाम है नमन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। मानो यार मानो यार, कल का मैच हुआ है भाई, भाई दिल भाई बहराने वाला था भाई, इतना तकड़ा मैच हुआ है कल का भाई। एक बार को लग रहा था भाई इंडिया हार जाएगी यार भाई साहब। भाई जिसने भी कल का मैच नहीं देखा यार, बहुत बड़ी चीज़ कर दी भाई तुमने। भाई कल का मैच इतना इंपॉर्टेंट मैच था भाई, भाई मज़ा आ गया भाई। तो भाई जैसे पूछा था, कल का मैच था इंडिया और वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में यार। भाई यार क्या मैच हुआ भाई, इतना इंटरेस्टिंग मैच भाई, ऐसा मैच मैंने आज तक कभी नहीं देखा है भाई। इतना क्लोज मैच गया है भाई, भाई कुछ भी नहीं पता था भाई कौन किस समय क्या पलटी मार जा भाई। दोनों का 50-50% था भाई, दोनों जीत सकते थे भाई, लेकिन साउथ अफ्रीका को भाई मानना पड़ेगा भाई, अक्षर पटेल को भाई 22 रन एक ओवर में भाई। उसी समय भाई साउथ अफ्रीका की तरफ गेम पलट गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन जब अक्षर पटेल की इतनी बड़ी ओवर आई ना, पूरा का पूरा गेम पलट गया था भाई, साउथ अफ्रीका की तरफ चला गया था बिल्कुल भी। पर लेकिन भाई इंडिया वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भाई वो यहाँ से मैच जीत जाएंगे भाई। जो बुमराह ने और भाई अक्षरदीप ने भाई जो प्रेशर को हैंडल करके भाई जो ओवर कराया ना भाई, अपने ओवर में इतनी मस्त तरीके से बॉलिंग करी है भाई, मानना पड़ेगा भाई इन बंदों को भाई, इनकी बंदों भाई, ये बंदे ऐसे हैं कि भाई इंडिया को भाई यहाँ से यहाँ कर दिया भाई। भाई इन बंदों की वजह से भाई इंडिया जीती है। और भाई भाई लेकिन भाई बिल्कुल भी एक बंदे को नहीं भूल सकते भाई, स्काई को भाई, सूर्य कुमार यादव भाई। इस बंदे ने भाई बैटिंग से ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन फील्डिंग से भाई एक कैच भाई, ये भाई ज़िंदगी का भाई, इसका भाई करियर का बेस्ट कैच होने वाला है, बेस्ट कैच। अगर ये कैच नहीं आता ना भाई, कसम से भाई इंडिया हार गई थी, पूरी हार गई थी भाई। ये बंदे ने भाई जो कैच कराया ना यार भाई, दिल जीत लिया भाई बंदों का भाई, सब इमोशनल हो गए भाई इस बंदे ने भाई। भाई जब भी भाई ये मैच होगा ना देखो, कभी जब भी भाई बड़े होंगे भाई, जब भी मैच देखेंगे यही कैच जाना जाएगा भाई भाई, क्योंकि यही कैच था भाई जो मैच बिल्कुल पलट के रख दिया एक तरफ भाई, मज़ा आ गया। लेकिन कुछ भी कहो भाई, हार्दिक पांड्या को जो इतना ट्रोल 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 चल रहा था ना भाई आईपीएल में, भाई हार्दिक पांड्या ने भाई सबके साइलेंस कर दिया है भाई। जो बंदे ने इस आईपीएल में वो भाई जो बंदे ने इस वर्ल्ड कप में भाई जो बंदे ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई है ना भाई, आईपीएल तो आते जाते रहेंगे, आईपीएल तो भाई भाड़ में गए, लेकिन भाई इंडिया की तरह जो परफॉर्मेंस करता है ना भाई असली में भाई, वो बढ़िया प्लेयर होता है भाई। बंदे का भाई पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था भाई, इतने गंदे तरीके से ट्रोल हो रहा था ना हार्दिक पांड्या भाई, जो अब इन बंदे ने भाई सबको चुप कर दिया ना भाई, यार मानना पड़ेगा भाई ये डिजर्व करता है इनके लिए भाई, अपने लिए भाई। इस बार वैसे भी कोई भी नहीं खेला भाई, अपने सब टीम के लिए ही खेले हैं भाई, पूरी इंडिया टीम को भाई सलूट जाता है, लेकिन भाई हार्दिक पांड्या को तो ज़्यादा जाता है भाई। फिनिशर भी भाई, ये अभी तक का भाई जब से भाई 1983 में वर्ल्ड कप हुआ है ना भाई, जब कपिल देव हमारे ऑलराउंडर थे भाई, उसी तरह भाई बिल्कुल सेम ऑलराउंडर है भाई। आईपीएल में चाहे कुछ भी करता हो, हम आईपीएल से कोई मतलब नहीं भाई, आईपीएल में कुछ भी करो भाई, कैप्टनसी करो ना करो, लेकिन भाई जो इंडिया के लिए करता है ना भाई, बेस्ट कैप्टन भाई, बेस्ट प्लेयर भाई इंडिया के लिए वही है भाई। भाई सब भाई आईपीएल में कौन जीता है कोई ज़्यादा कोई किसी को मतलब नहीं है, लेकिन भाई जो इंडिया में जो जीता है ना भाई, इंडिया के लिए किसने परफॉर्मेंस करा सबको वो याद रहता है। इसलिए भाई हार्दिक पांड्या भाई तुम्हें मानना पड़ेगा यार भाई, क्या बैटिंग करिए भाई तुमने, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी भाई कमाल कर दिया इस वर्ल्ड कप में। शर्मा ने भाई कैप्टनसी करी है ना भाई, भाई जब जसप्रीत बुमराह को लाए भाई ओवर में भाई, क्या बॉलिंग करी है भाई बुमराह ने भाई, प्रेशर बिल्ड कराया भाई। उसके बाद भाई हार्दिक पांड्या ने भाई विकेट निकाले भाई मस्त तरीके से भाई, पूरी टीम ने एफर्ट दिखाया भाई, भाई इसे कहते हैं ना टीम भाई, मज़ा आ गया भाई। और भाई अब बिल्कुल भी नहीं बोल सकते भाई, लास्ट ओवर 19th ओवर पहली बॉल भाई जो छक्का चला गया था बाउंड्री पे, जाने वाला था, अगर भाई कोई और फील्डर होता ना तो भाई वो छक्का चला जाता, लेकिन भाई स्काई ने जो कैच पकड़ी है भाई, वो ही टर्निंग पॉइंट है। अगर वो कैच नहीं पकड़ता ना स्काई भाई, पूरा मैच गया था हमारे यहाँ से, पूरा का पूरा मैच पड़ लिया था, क्योंकि भाई छक्का लग गया था उस ओवर में, और भाई एक छक्का और एक बस 4 रन चाहिए था, उसका आराम से साउथ अफ्रीका जीत जाती। लेकिन भाई जो कैच पकड़ा है ना भाई, वही वही है मैच भाई। अभी तक जब भी भाई T20 वर्ल्ड कप देखा जाएगा ना भाई, जब भी हम बड़े होकर देखेंगे भाई इस मैच को, कि भाई जो हमने 2024 में क्या करा था भाई, यही कैच देखा जाएगा, क्योंकि भाई ये कैच भाई अभी तक का स्काई के करियर का बेस्ट कैच होने वाला है, बेस्ट कैच। इस वर्ल्ड कप में भाई हम जीत तो गए हैं, लेकिन भाई बहुत बुरी दुख है भाई, हमारे रोको की जोड़ी भाई विराट और रोहित शर्मा भाई, दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया यार भाई, ये बहुत दुखी की बात है यार भाई। जो इतने बंदे भाई इतने साल से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं भाई, जो बंदे इतने साल से इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं भाई, इनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है भाई T20 वर्ल्ड कप करियर ख़त्म होने के लिए, क्योंकि भाई ये डिज़र्व करते थे भाई एक ट्रॉफी, तो भाई विराट भाई एक डिज़र्व करता था भाई ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप भाई, डिज़र्व करता था भाई जो बंदे ने परफॉर्मेंस दिखाई ना T20 वर्ल्ड कप में भाई, डिज़र्व करता था। और भाई कोई नहीं कहेगा कि भाई विराट सर ने भाई कोई परफॉर्मेंस नहीं करी इस वर्ल्ड कप में भाई, सारे के सारे मैच में कुछ भी कराओ, लेकिन फाइनल में जो करता है ना वही होता है मेन भाई। हमने कल रात में भाई इंडिया जीतने के बाद भाई बहुत तरीके से जश्न मनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे, पूरे हमने नहीं पूरे इंडिया ने जश्न मनाया, देख सकते हो भाई जो मज़ा आया ना कल मैच के अंदर। तो भाई आप सब मुझे कमेंट बॉक्स बताना कि आपने जश्न मनाया नहीं बनाया, तो भाई वीडियो चले, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो